अच्छा बच्चा, आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स आर, आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है। कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यू कॉपर। बच्चे इसका ई नॉट वैल्यूज हैं दैट्स इक्वल टू +0.34 वोल्ट्स। इन द सेकंड वैल्यूज आर Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Cl, ठीक है जी, 2Cl-, और E नॉट वैल्यू फॉर द सेल इज +1.36 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट है फाइंड E नॉट सेल। पहला पार्ट फाइंड E नॉट सेल, या कह सकते हैं जी आपसे फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, एक ही बात है। सेकंड पार्ट है फाइंड एनोड, इसमें एनोड कौन है, फाइंड एनोड एंड कैथोड, फाइंड एनोड एंड कैथोड। अच्छा सी पार्ट है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन फाइंड करनी है। और डी पार्ट, दिस रिएक्शन या दिस सेल कौन सा वाला जी, कॉपर क्लोरीन, द सेल कॉपर क्लोरीन इज पॉसिबल और नॉट, ये पॉसिबल भी है कि नहीं, पॉसिबल और नॉट। हम इन सब बातों को डिटेल से पढ़ेंगे जी आज। पार्ट ई लिख रहा हूं, राइट सेल रिएक्शन, राइट कॉपर क्लोरीन सेल रिएक्शन, यू फाइंड द ईएमएफ या ई नॉट सेल। तो देखो आपने क्या बच्चे फॉर्मूला पढ़ा था, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बच्चे हमारे पास था, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो आपका पहला काम कैथोड, मैंने आपको कल बताया था, नोट कर लो दोबारा, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो जिसका E नॉट वैल्यू, E नॉट रिडक्शन वैल्यू स्मॉल होती है, वो हमेशा एनोड होता है। ये आपको मैंने एक इलेक्ट्रिक लिखवाई थी, जिसका E नॉट वैल्यू स्मॉल होगी, जो आपको वैल्यू गिवन होती है वो रिडक्शन ही होती है, कंफर्म। जो छोटा होगा वो एनोड है, और जो बड़ा वैल्यू होगी, जो बिग वैल्यू होगी वो कैथोड है। तो अब चेक करना, इन दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है वो कॉपर की है, और लार्ज वैल्यू जो है वो क्लोरीन की है। इसका मतलब है कॉपर एनोड है और क्लोरीन कैथोड है। अब क्या करेंगे जी, ई नॉट सेल का आंसर निकाल लें। ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। तो चाहे कैथोड हमारे पास कौन से वाला होता है, तो स्मॉल कौन है इनमें से, दिस वन, तो ये एनोड हुई ना। तो कैथोड क्या पुट करूंगा, 1.36 माइनस 0.34 वोल्ट्स। ई नॉट सेल का आंसर 1.02। तो ये आपके पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी फाइन एनोड एंड कैथोड, हम आंसर कर चुके हैं। एनोड कौन है, जिसकी स्मॉल वैल्यू है वह एनोड है। तो लिखेंगे एनोड इज कॉपर, क्योंकि स्मॉल वाला एनोड है वो कॉपर है, और लार्ज वाला कौन है, जो लार्ज वैल्यू है वो कैथोड है। तो कैथोड इज क्लोरीन। पार्ट सी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड, तो एनोड कौन है, कॉपर। तो सी का आंसर आएगा कॉपर टू क्लोरीन। यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। डी पार्ट हमारा, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट, डी पार्ट इज दैट इज जिंक कॉपर सेल इज पॉसिबल और नॉट। तो मुझे रूल ये है, अगर ई नॉट सेल का आंसर पॉजिटिव हो, अगर ई नॉट सेल का आंसर प्लस में आए, पॉजिटिव आए, तो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो पॉसिबल नहीं है। तो लिखो एज ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, सो कॉपर क्लोरीन सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। इसका लास्ट पार्ट है, राइट कॉपर क्लोरीन
सेल रिएक्शन, इसका सेल रिएक्शन लिखो। अच्छा मैंने आपको क्या बताया, जो स्मॉल वैल्यू होती है वो एनोड होती है और जो लार्ज वैल्यू होती है वो कैथोड होती है। हम बात कर चुके कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस होते हैं और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन होते हैं, मगर इस न्यूमेरिकल में देखो दोनों को इलेक्ट्रॉन ऐड करके दिया हुआ है, दोनों को इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं रूल के हिसाब से बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपने रिएक्शन पोटेंशियल लिखना था लेकिन आपसे कह रहा है सेल पे रिएक्शन लिखो, तो आपको डिसाइड करना है एनोड कौन है। तो एनोड कौन होता है, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो एनोड है। अब आप एनोड के यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन दिया हुआ है, आपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। आसान सी बात यह होती है, जिसकी छोटी वैल्यू हो ना उसका रिएक्शन उल्टा लिख दो। हम लिखेंगे यहां पर कॉपर गिव्स अस कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन और लार्ज वाले को कैथोड पे हमेशा गेन होता है, यहां भी गेन हो रहा है, कैथोड वाले को नहीं छेड़ना, कॉपी करना है। लिखोगे क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Cl-, और फिर इन्हें ऐड कर दो तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कैंसल, दैट गिव्स यू कॉपर आइंस प्लस 2 क्लोराइड आइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज SN प्लस Fe2+ गिव्स अस SN2+ और Fe। द क्वेश्चन इज आपको E नॉट वैल्यूज गिवन है टिन की, दैट्स इक्वल टू -0.14 वोल्ट, और बच्चे E नॉट वैल्यू गिवन है Fe की, दैट्स इक्वल टू -0.44 वोल्ट्स। द अबव रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे रिएक्शन लिख रहा हूं कि पॉसिबल है या नहीं, हम चेक करेंगे SN और Fe2+ गिव्स अस SN2+ और Fe। आप चेक करो टिन का चार्ज जीरो है, वो जीरो से टू चार्ज की इंक्रीमेंट ऑक्सीडेशन होती है और Fe2 से जीरो हो रहा है, कुछ ना लिखा हो तो जीरो होता है ना, तो चार्ज कम होने का मतलब है 2 से 0 कम हो रहा है, इसका मतलब है रिडक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन कहां होती है, हमेशा एनोड पे, मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से टिन एनोड है और Fe कैथोड है। अब चेक करें वैल्यू वाइज। अब मुझे बताएं इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है, जिसकी ई नॉट स्मॉल होती है, ई नॉट स्मॉल होती है वो एनोड होता है। तो अब चेक करो इस रिएक्शन में एनोड कौन है और आपका एनोड इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये स्मॉल वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है और ये लार्ज वैल्यू है, ये माइनस में छोटी वैल्यू लार्ज होती है ना, तो ये लार्ज है और ये स्मॉल है। और रूल है कि स्मॉल वाला एनोड होगा, तो इसके हिसाब से Fe को एनोड होना चाहिए और यहां पे देखो Fe कैथोड है, इसका मतलब ये है इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपसे कहते हैं राइट पॉसिबल रिएक्शन तो क्या करोगे, तो इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो, मतलब रिएक्टेंट उधर ले जाओ प्रोडक्ट वहां ले जाओ। तो आंसर इज SN2+ + Fe gives us SN + Fe2+।